हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आप सभी कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत वेलकम है। सो आप सभी को सुबह का प्यार भरा गुड मॉर्निंग। सो मॉर्निंग हो गया है और सब्जी भी आ गई है, तो मॉर्निंग के 8 बज रहे हैं और सब्जी भाजी सब आ गई है और मैं नहा धो भी ली हूँ, तो आप लोग देख सकते हो। तो ये कुछ सब्जियां हैं तो मैं रखे दे रही हूँ, तो लहसुन प्याज और ये ककोरे, तो ककोरे मैंने मंगाए हैं, तो ककोरे तो इनको बनाऊंगी आज। और ये कुछ ककोरे मतलब कहीं से तोड़ के लाए थे हस्बैंड, और जो ककोड़े हैं कुछ मार्केट से लाए, तो सोचा आज एक ककोड़े मिक्स करके बना लेते हैं। कुछ देसी है कुछ बाज़ार से लाए, और यहाँ बारिश हो रही है तो यहाँ देखिएगा सासू माँ डुगू को कुछ टोस्ट वगैरह क्या दिलवाने जा रही, तो अब मुझे याद नहीं है, ऐसे ही उसको कुछ चीज़ दिलवाने जा रही थी। यहाँ देखो कितनी भयंकर बारिश हुई है, भैंस बफेलो बंधी हुई है, बफेलो हाँ बफेलो कैसे करती हाँ। तो यहाँ देखिएगा हमारे मोहल्ले का व्यू किस टाइप का है, कैसी गलियां हैं, छोटे छोटे गांव नहीं है। आप लोग सोच रहे हो गांव में रहते हैं, बट गांव नहीं है इतना भी। और यहाँ ककोरे बंद हो गए, बट मिल गए थे पति देव को, पता नहीं कैसे तो लेके आ गए। और अरबी हैं तो अरबी तो शाम को बनाऊंगी, और कुछ सब्जियाँ लेके आए हैं ज़्यादा नहीं, तो इनको पहले वॉश कर लेती हूँ फिर बना लेती हूँ। और ककोरे किस किस को खाने हैं वो आ जाइए, कड़ाकड़ मज़ेदार मस्त मज़ा आ जाएगा। आज नाइट में क्या हुआ था, नाइट की बात बता दूँ, नाइट में आ गया तो मुझे फीवर बहुत कस के और मुझे फीवर आ गया, फिर मैं हस्बैंड को जगाऊँ, लेकिन हस्बैंड ना जगने का नाम लेते हैं, ना उनको कोई चिंता है ना कुछ है। इनके लिए बनाती रहूँ खिलाती रहूँ काम करती रहूँ और नौकरानी बनी रहूँ, लेकिन ये लोग बीवियों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। क्या है, अब मेरी शादी को 8-9 साल हो गया, 9 साल नवी छाल चल रहा है, तो अब इनको चिंता नहीं है ना। बात जो होता है जब न्यू लड़कियाँ होती हैं ना, तब उनको ज़्यादा चिंता होता है, तो अब कोई ध्यान नहीं देता है। अरे बीमार है, टैबलेट खा लो उठ के। इनको कुछ दिक्कत है, जिनको दिक्कत हो जाए फिर देखो फिर कैसा करते हैं। चलो फिर हमने टैबलेट खा ली थी और हम ककोरे बॉस वगैरह करके फिर हम रूम में ही ले आए, तो यहीं अब मैं काटे ले रहे हैं और कुछ काट लिए हैं। तो आप लोग बताइए फ्रेंड, आप लोग कैसे हो? और आजकल आप लोग के लिए मेरे ब्लॉग नहीं जा रहे थे, तो आप लोग मुझे पूछ रहे थे क्यों नहीं आ रहे हैं आपके ब्लॉग, इंस्टाग्राम फेसबुक पे कमेंट ज़्यादा करते हो आप लोग, फेसबुक पे कम वो यूट्यूब पे कम करते हो, इंस्टाग्राम पे ज़्यादा पूछते हो, और फेसबुक पे मैम आपके ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं। तो भाई ऐसा आया, देखो कुछ टाइम ऐसा रहता है जब ब्लॉग अपन शूट नहीं कर पाते, या तो कुछ प्रॉब्लम हो या लाइट ना हो या कुछ कुछ ना कुछ ऐसा दिक्कत हो जाता है, तो मैं भागी दौड़ी में लगी थी, उसकी वजह से मेरे ब्लॉग नहीं आ पा रहे थे। और यहाँ आज गणेश जी बैठे हैं, तो गणेश जी भी हमने नहीं बिठा लें इस बार, अब ऐसा टाइम है देख रहे हो, पापा भी नहीं है घर में, सब प्रॉब्लम है। पहले तो ससुर जी थे तो वो अपनी जिद से बिठलवाते थे कि गणेश जी बिठा लो माता बिठा लो ऐसे, मतलब तो मोहल्ले में वैसे बैठे हैं लेकिन हम अपना अलग बिठाते थे, तो कोई ना चलो नहीं बिठा ला अब क्या। और ये चावल बन के तैयार है, तो चावल मैं खा लेती हूँ शाम की सब्जी से, मुझे भूख लग रही है, थोड़ा लेट हो रहा है, तो ये मेरा ब्रेकफास्ट हो रहा है। और आप लोगों ने ब्रेकफास्ट में क्या किया वो बताइएगा, मेरा भूख लग रही थी मुझे, कभी कभी ऐसा होता है अक्सर जल्दी जगने के बाद भूख लगती है तो खा लेते हैं, तो मैं यहाँ खा रही हूँ चावल दाल। तो पहले कर लिए मैंने अपनी पेट पूजा, उसके बाद बना रही हूँ खाना। तो मैंने कुछ टैबलेट खाई थी, नाइट में फीवर हो गया था, तो टैबलेट अभी भी खा ली, नाइट में भी खा ली, तो अब पेट पूजा करने के बाद अपना रोटियां बना लेते हैं। और रोटी भी ज़्यादा लेट नहीं, तो मेरे 10-11 बजे तक तो खाना बन जाता है, 10 बजे नहीं तो 11 बजे तक नॉर्मल बन ही जाता है। तो यहाँ मैं आटा गूंदा ले रही हूँ, और आज मैंने सूट पहना है, कैसा लग रहा है सच सच बताना मुझे, और ये सूट बहुत प्यारा लगता है, बस एक चीज़ की कमी रह गई थी, ये सूट मैंने ही सिला था, और एक ब्लाउज है मेरा
तो आप लोग उसकी भी पूछ रहे थे कि आपने बहुत अच्छा सिलवाया है, जो न्यू साड़ी का रेड कलर का साड़ी का पहना था, रेड ही रेड है वो, मैरून टाइप का। वो मैंने कब पहना था, वो दिवाली पे पहना था, हाँ दिवाली का टाइम पहना था, तो वो ब्लाउज मैंने ही सिला था। तो यहाँ देखिएगा मेरी सब्जी ककोरे बन के रेडी है, तो इस टाइप के इसमें डला है मतलब चने की दाल। तो चने की दाल थोड़ी ज़्यादा हो गई थी, तो चने की दाल मैंने थोड़ा निकाल के रख दिया है, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगी फिर चने की दाल दाल चमकेगी, तो मैंने निकाल के रख दिया। अब मैं बना ले रही हूँ रोटी। और आज क्या हुआ था पता है, सासू माँ से हो गई मेरी, हो गई ना, क्यों हो गई थी। अब देखो अब रोटियां हैं, गाय को डालती हूँ तो उनको लगता है बुरा, तो उसकी वजह से वो बोलती हैं गोबर कर जाती है गाय, ये वो फलाना ढिकाना। तो काऊ माता है, उनको खाना खिलाना बनता है यार, कहाँ से खाएंगी वो। तो गुस्सा हो गई, तो मैं क्या करूँ, हो गई तो हो गई। अब गोबर कूड़ा तो करती हैं गाय भैंस है, लेकिन हो गई थोड़ी बहुत। और फिर मॉर्निंग के टाइम मैं अपना ब्लॉग शूट करने लगी, तो मैं रात को सो गई थी ये पहन के। मैंने कोई नाइटी वगैरह मतलब सूट चेंज नहीं किया, नाइटी पहनी, वैसे मैं नाइटी पहन के सोती हूँ, लेकिन हो गई थी सासू माँ से तो मैं फिर यही पहन के सो गई थी। तो अपना बेडशीट सेट कर लेती हूँ, बेडशीट लगा ले रही हूँ, तो सो के उठी और वैसे ही फ़ोन आ गया मेरे घर से। तो घर से आ गया था भाई का, भाई कर रहा था, छोटा वाला भाई। फिर मेरे मम्मी को पहले मिस कॉल आया था, और फिर मैंने कहा, मैंने रिटर्न किया, मैंने कहा कौन, तो बोला मम्मी। तो मैंने मम्मी से कहा मम्मी आपने फ़ोन किया। अरे नहीं, कृष्णा कृष्णा ने लगाया था, मैंने नहीं लगाया। तो मैंने चलो ठीक है, फिर सुबह वो नाइट के बर्तन डले रह गए थे नाइट में, तो ये नाइट के बर्तन साफ़ हो रहे हैं, तो आप लोग देख सकते हो। यहाँ बहस हो रही थी सासू माँ के ऊपर ही, क्योंकि सासू माँ कल मुझसे लड़ गई थी, तो मेरे हस्बैंड पता नहीं क्या बोल रहे थे कि बात कर लो उनसे, ऐसे गुस्सा नहीं होते सौम्या। मैंने कहा मुझे नहीं करना, ऐसी भी कोई मम्मा नहीं होती है। तो मैं ऐसे ही आज मैंने बहुत ज़्यादा सुना दी यार, चुप रहो ना, चुप रहने से कोई फ़ायदा नहीं है ज़्यादा यार। 8-10 साल होगी, कब तक चुप रहेंगे यार। एक बात सोच लेते हैं कि माँ बाप है कोई बात नहीं, लेकिन वो लोग नहीं सोचते ना, कितना अफसोस होता है यार। हम सोच लेते हैं लेकिन वो नहीं सोचते। हम अपना घर छोड़ के, सब परिवार छोड़ के आ जाते हैं, इनके घर काम करते हैं और धुआंधार लगे रहते हैं, फिर भी ये लोग नहीं सोचते यार। कितने ये लोग कठोर होते हैं यार, हम कितने दयालु होते हैं, अपना सबको मान बैठते हैं, अपना घर छोड़ के सबसे ज़्यादा इनको ही मानते हैं। तो यहाँ देखिएगा मैंने बर्तन वर्तन भी साफ़ कर लिए सब, तो मैं किचन भी साफ़ कर लेनी हूँ, फिर उसके बाद कुछ काम अपने बना काम करती हूँ, खाने पीने के लिए बनाती हूँ। तो यहाँ नाइट का ही सब डला हुआ था, तो मॉर्निंग हो चुका, मॉर्निंग की भी काम ज़रूरी होता है। तो यहाँ अपना गैस क्लीन कर लेते हैं, गैस पे भी कुछ फैल गया था चाय आए तो ज़्यादा गंदा हो रहा था, तो अपना मॉर्निंग का रूटीन स्टार्ट हो गया है। तो मॉर्निंग नाइट से लेके मॉर्निंग का रूटीन, तो यहाँ देखिए कितना गंदगी निकल रहा है। तो प्लेटफॉर्म साफ करते रहो, गंदगी निकलती रहेगी, क्योंकि किचन में काम तो होता है भाई, रोटी बनेगी, चावल बनेगा, सब्जी बनेगी, तो किचन तो गंदा होता है भाई, किसी का भी किचन हो और लेकिन किचन को साफ रखना अपने ऊपर होता है, और किचन की साफ सफाइयाँ करना जरूरी होता है। किचन ऐसा है कि उसमें खाना पीना बनता है, तो किचन साफ करना जरूरी। और चीज़ रह सकती, और चीज़ को छोड़ सकते, लेकिन किचन को साफ जरूर करना चाहिए। तो यहाँ मेरी गैस साफ हो रही है, तो मैंने जूनी लगा दी है तार वाली, क्योंकि ये छूट नहीं रहा था, उस पर गंदगी चिपक गई थी ना, चाय वगैरह चिपचिपी हो रही थी चूल्हा। तो अब ठीक है, अब साफ कर ले रही हूँ, और मेरा सिंक भी गंदा हो गया है, तो मैं इसको भी साफ कर लूँगी। और यहाँ देखिएगा और कुछ नहीं, और मैं यही कह रही थी, मैं चूल्हा साफ हो गया। और आप लोग मेरे ब्लॉग पे बने रहिएगा, और ब्लॉग पसंद आते हैं तो लाइक शेयर भी कर दिया करो। और ये ब्लॉग थोड़ा ज़्यादा लॉन्ग हो रहा है, अब मैं क्या करूँ, हो रहा है तो हो रहा है। तो यहाँ मैं अपना चूल्हा वगैरह जो है उसके बॉल वगैरह वो भी साफ़ कर लेती हूँ। और ईंट तो है नहीं, ईंट से जो गिट्टी होता है उसे बहुत अच्छा साफ़ हो जाता है, तो बची सिंक, तो मैं सिंक को भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी। तो
आप लोग बस ब्लॉग वो देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा। तो ये मेरा सिंक क्लीनिंग हो रहा है और कुछ आसपास पानी जम गया है। क्या है, रात के टाइम सो जाते हैं तो वो पानी टपक टपक के ना यहाँ जम जाता है। तो मेरा साफ़ सफाई हो गया, किचन देखो एक्सपेक्ट कैसा चमक रहा है, मस्त मस्त। बस पोछा लगाना बाकी है तो पोछा भी लगाऊंगी। और ये बारिश हो रही है, कल से तो चैन ही नहीं ले रही है, बारिश थोड़ा सबर ही नहीं खा रही है। और यहाँ मैंने बल्ब बंद कर दिया, LED बल्ब ख़राब हो गया है तो मैंने बाथरूम में बल्ब लगा दिया है। यहाँ वॉशिंग मशीन को बता रही थी तो वॉशिंग मशीन का जो ऊपर का उसका ढक्कन था वो अंदर की साइड चला गया, तो उसको भी ठीक करना है, हस्बैंड से करवाना है। यहाँ मैं अपना रूम पे आ गई तो अपना रूम की भी साफ़ सफाई कर लेती हूँ, आके वगैरह सब जगह करवाई कर आई सॉरी जहाँ सोती हूँ वहाँ की भी कर आई। बस बचा मेरा रूम, तो यहाँ मैं झाड़ू लेने चली गई थी, लेकिन फिर क्या हुआ था पता नहीं क्या हुआ था, लेकिन वॉइस बाद में डालते तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ अपना बालों में पहले डाल लेती हूँ तेल, ऑयल डाल लेती हूँ हेयर ऑयल। तो यहाँ अभी मैं मुंह धोकर आई हूँ, फेस वॉश करके आई हूँ, तो टॉवल से पोंछ रही थी। और अब मैं डालूंगी अपने बालों में तेल, जो ऑनियन, मेरे बाल भी फिर से झड़ने लगे क्योंकि मैंने 1 महीने से तेल नहीं डाला ना बालों में, तो फिर से झड़ने लगे। तो ऐसा ही होता है, जब तक मतलब झड़ने नहीं लगते फिर वही सिचुएशन में आ जाते तभी अपन सुनते हैं। देखो मेरे बाल झड़ने लगे तो फिर से मैं आप लोगों को बताने लगी, और बीच में काफ़ी सही हो गए थे। तो मैं ऑयल डाल देती हूँ, फिर मैं नहाऊंगी धोऊंगी, नहाने से पहले ही मैं ऑयल डालती हूँ। तो नहाने से 1 घंटा पहले ऑयल डाल लेती हूँ, सरसों का डालती हूँ तो एक थोड़ा गर्म करके गुनगुना डालती हूँ, उससे बहुत अच्छे सॉफ्ट बाल हो जाते हैं। और वैसे मुझे सादा डालना हो तो ये मैं नारियल, कोकोनट, या फिर ये तो मेरा जो लौकी का ऑयल है, तो लौकी का ऑयल बहुत ही कम लोगों ने सुना होगा। तो यहाँ मेरे बाल में तेल डाल गया है और मैंने जुड्डा भी बना लिया है, तो भाई मेरी मोटी गर्दन हो रही है बहुत। और यहाँ मैंने थोड़ा सा स्किन से भी लगा लेती हूँ, नहाऊंगी धोऊंगी उससे पहले भी मैं नारियल का तेल लगा लेती हूँ। बस मैं कोई क्रीम वगैरह यूज नहीं करती हूँ फेस पे ना ही बॉडी पे, तो यही मेरा कोकोनट नारियल, यही मेरा है ब्यूटी का राज है। आप लोग कहते हो ना मैम आपकी ब्यूटी का क्या राज है, तो नारियल कोकोनट ऑयल तो मैं यही यूज करती हूँ हमेशा से, और करती आ रही हूँ, करती रहूँगी। सो फ्रेंड्स ब्लॉग को यहीं ऐड कर देते हैं। फ्रेंड्स कैसा लगा ब्लॉग, अच्छा